नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्लम्बर माइंड। मैं आपका दोस्त अर्जुन और आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2022 में होने वाले प्लम्बिंग काम के प्राइस के बारे में। तो हम साइट पर वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि मौसम यहाँ पे खराब है, बारिश आ रही है और साथ ही साथ आज मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, इसलिए मैं साइट पर जाके वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, एक हमारा दूसरा नया चैनल है प्लम्बर माइंड लर्निंग टिप्स के नाम से, एक बार आप उस पर भी विजिट करें ताकि वहां की वीडियो भी आप देख करके समझ सकें कि किस प्रकार से काम किए जा सकते हैं। वहां पे छोटी छोटी जानकारियां मिलेगी क्योंकि रिसेंटली नया चैनल है तो 2 या 3 वीडियो उस पर अपलोड आपको मिलेंगे, लेकिन आपको आगे पर डे के 1 या 2 वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो है 2022 के प्राइस लिस्ट के बारे में, जो कि आपको लेना है 2022 के नए कामों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CPVC और UPVC पाइपलाइन के बारे में। तो CPVC पाइप 20 से 50 mm तक की जो पाइपलाइन आप डाल रहे हैं, वॉल कटिंग होगी। वॉल कटिंग होने के बाद में पाइप लगती है, यह तो आपको ही पता है, कंसील्ड पाइप का जब हम करते हैं तो इस दौरान ऐसी स्थिति में जो पाइप की प्राइस होगी वो होगी ₹30 रनिंग फिट। हो सकता है पहले भी आप यही रेट ले रहे हो या फिर इससे कम, लेकिन 2022 में आपको यही रेट लेनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि काम नहीं है मार्केट में ज़्यादा, और जो मार्केट में काम है वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा प्राइस नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्लम्बर जो है काफ़ी संख्या में है, ये भी आप जानते हैं, और काम बहुत कम है। तो इस दौरान कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो आपके कॉम्पिटिटर जो है वो भी बहुत है, लेकिन आपको जो प्राइस लिस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ग्राहक देने में हिचकिचाएगा नहीं और आपको भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्राइस को लेने में। तो यहाँ सबसे पहले पाइप हमने बता दिया CPVC और UPVC। 2 इंच तक के पाइप की आप ₹30 रनिंग फिट के हिसाब से प्राइस ले सकते हैं। 2 इंच से ऊपर अगर है 2.5 इंच 4 इंच तो वहाँ पे आपको ₹40 से ₹50 रनिंग फिट करने होंगे क्योंकि साइज ज़्यादा होने की वजह से उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं PVC पाइप की। PVC पाइप किसे कहते हैं? आपने SWR का नाम भी सुना होगा और PVC का भी सुना होगा, दोनों प्लास्टिक मेटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन SWR उसकी कार्य प्रणाली के ऊपर उसका नाम रख दिया गया है, जिससे सॉइल, वाटर और रेन, ये तीनों पानी एक ही पाइप में काम में लिए जाते हैं। अगर इस प्रकार के पाइप हैं तो 4 इंच तक के जितने भी पाइप हैं, यानी कि 32 mm से 4 इंच तक जितने भी PVC पाइप पे आप काम कर रहे हैं, उनकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी ₹60 रनिंग फिट के हिसाब से। ₹60 एकदम जेन्युइन प्राइस है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि PVC पाइप जब आप फ्लोरिंग में डालते हैं बाथरूम के, तब आपको उनको लेवल करने से पहले ग्रिट वगैरह डाल के उसकी लेवलिंग स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, फिर उसके बाद आपको पाइप लगाना होता है, 2 से 3 बार आपको लेवलिंग चेक करनी होती है, फिर कहीं जाकर आपको उसको पैक करना होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, समय ज़्यादा लगता है, साथ ही साथ इसमें टेक्निकली काम है, इसलिए आपको ये प्राइस लेनी पड़ेगी और ग्राहक को आपको देनी पड़ेगी। आप अगर एक ग्राहक हैं तो, और आपको अगर ये लग रहा है कि ये प्राइस ज़्यादा है, तो ये प्राइस ज़्यादा नहीं है क्योंकि टेक्निकली जी जो भी काम होता है उसकी प्राइस आप उस काम के करने के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, उसको आप जो बंदा कर रहा है उसके टैलेंट और उसके टेक्निकली दिमाग की वजह से उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ₹60 4 इंच तक के पाइप के लेने हैं और ₹80 4 इंच से ऊपर के पाइप को लेना है। अब बात करते हैं PPR की। तो PPR जहाँ CPVC के आपको ₹30 रनिंग फिट रेट मिल रही है, तो PPR में आपको ₹40 रनिंग फिट लेना पड़ेगा क्योंकि PPR में जॉइंट लगाते वक्त काफ़ी समय लगता है, जॉइंट प्रॉपर तरीके से हो इसके लिए आपको खूब सारा ध्यान भी रखना होता है। आपकी जो मशीन होती है उसकी लगभग प्राइस 2500 से ₹3000 होती है, तो PPR के अगर एक काम के ऊपर एक मशीन अगर ख़राब भी हो जाती है तो आपको उसी पेमेंट से नया मशीन खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे ₹40 आप PPR के ले सकते हैं। अब बात करें अगर GI पाइप की, तो GI पाइप सबसे कठिन काम करने के लिए पाइप होता है क्योंकि गैलोनाइज आयरन यानी लोहे का पाइप होता है। अब इस गैलोनाइज आयरन के पाइप में जब हम थ्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें अलग से डाई कटर चाहिए होता है, साथ ही साथ उसको पकड़ने के लिए एक वाइस चाहिए होती है, और उसकी जो थ्रेड प्रॉपर तरीके से बन सके ये भी आपको ध्यान रखना होता है। काफ़ी मेहनती काम है और काफ़ी टाइम वाला काम है। CPVC पाइप को आप हल्का फुल्का बेंड कर सकते हैं लेकिन GI पाइप को नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं GI पाइप के करने के दौरान काफ़ी
मुसीबतें भी होती हैं, यानी मुसीबतों का मतलब ये है कि आपको टाइम लगता है, टेक्निकली दिमाग भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर सिर्फ GI पाइप आप करें तो वो 50 रुपये फिट के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ तक, 1 इंची तक। और 1 इंच से ऊपर अगर मोटा पाइप है तो आप वहाँ पे उसको 60-70 रुपये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ ही साथ अगर मैं अगले लेवल की बात करूं तो अगले लेवल पे कंपोजिट पाइप आता है, जिसे हम काइटेक भी कहते हैं, क्योंकि कंपनी का नाम है काइटेक और उसे वैसे कंपोजिट पाइप ही बोला जाता है। तो उसकी जो प्राइस रहती है वो दोस्तों 80 रुपये रनिंग फिट रहती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसका जो जॉइंट है ना, उसमें थ्रेड आता है ना, उसको चिपकाया जाता है ना, उसमें कोई सॉल्वेंट लगता है, उसकी फिटिंग ही उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन देती है। और उस फिटिंग को करने के लिए आपको काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है। अगर आप कम रेट में काम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको काम करना नहीं आता होगा, या फिर आप किसी मजबूरी से कम रेट में काम ले रहे हैं तो, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बाकी फिटिंग से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस दौरान उसकी रेट जो है आपको ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई पाइपिंग की रेट। अब हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे फिटिंग्स जो भी हैं, जैसे बेसिन है और डाइवर्टर है, कंसील टैंक है, सीट है, तो इनकी प्राइस क्या होगी वो आपको आगे वाली वीडियो में मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।